वेलकम टू माय चैनल जूहीज ब्यूटी क्राफ्ट्स। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि टाइम जाते जाते उनकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है, बहुत ज्यादा डार्क होती जाती है, स्किन में ग्लो नहीं होता, शाइन नहीं होता कोई भी, और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो सोचते हैं उन्हें फिर से अपना ग्लो लाने के लिए बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक DIY फेस मास्क, वो भी अंडर 50 रुपीज़, कि कैसे आप घर बैठे ईजिली पा सकते हो ग्लोइंग स्किन। करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या फिर जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ। और हाँ, ये रेमेडी सिर्फ लड़कियाँ नहीं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज लड़का लड़की नहीं दिखती, सबकी स्किन पर सेम असर करती है। सो फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बोल में हम एक टेबलस्पून ले लेंगे बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, एक टेबलस्पून ले लेंगे हम मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर सार्थ, एक पिंच हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर और एक चम्मच शहद यानी कि हनी, और एक चम्मच हम ले लेंगे एलोवेरा जेल। आप रॉ एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो, रॉ एलोवेरा का जेल निकाल के। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच गुलाब जल डाल रही हूँ, बट आप चाहे तो आपको जितना ज़रूरत पड़े आप उतना डाल लीजिए। मैंने बाद में और भी 3 चम्मच मिलाया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और कुछ इस तरीके का पेस्ट बना लेंगे। अब मैं आ चुकी हूँ फेस पैक को लगाने, तो यहाँ पे मैं पहले आ चुकी हूँ मुंह को पानी से, नॉर्मल वाटर से धो के, एंड अब मैं अपने फेस पे लगाऊंगी ये वाला फेस पैक। मैं यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास था ये ब्रश और मैं लगाती हूँ इसी से। अगर आप चाहते हो तो आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हो, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसका यूज़ करो। और अच्छे से मैं लगा लूँगी पूरे फेस में और नेक में भी अच्छे से मैं लगा दूँगी, एंड इसे हम 20 मिनट तक रखेंगे जब तक ये थोड़ा थोड़ा सूख ना जाए। इस फेस मास्क में हमने ऐड किया है हनी जो हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा, एलोवेरा जेल जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को निकाल देगा, और क्लींजर के लिए तो बेस्ट है जाना माना हमारा बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। और गुलाब जल यूज नहीं करना चाहते तो दही या फिर मिल्क यूज कर लो, जिनकी ड्राई स्किन है वो दही या फिर मिल्क यूज कर लो। मेरी फिलहाल तो है ऑयली स्किन तो इसीलिए मैं गुलाब जल यूज कर रही हूँ। गुलाब जल मेरी स्किन से एक्सेस ऑयल को हटा देगा और फिर स्किन में ग्लो भी ऐड करेगा। अगर आपकी स्किन है ड्राई तो फिर आप मिल्क यूज करो। ग्लोइंग स्किन पाने के लिए दिन में 4 से 5 लीटर पानी तो आपको जरूर पीना है। पानी पीने से हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है। अब यहाँ पे मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका है, 90% तक सूख चुका है। अब मैं अपने फेस पैक को निकालूंगी, हाथों में थोड़ा सा पानी लेके स्किन को जेंटली मैं रब करूंगी और इससे हमारे डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे और ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी निकल जाएंगे। नोज को रब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स होते हैं। और अच्छे से रब करने के बाद 2-3 मिनट बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से धो के आ जाऊँगी और इसे हमें हफ्ते में 2 बार लगाना है। अच्छे से मैं धो के आ गई हूँ अपने फेस को, आप देख रहे हो ग्लो देख रहे हो आप, चमक रही है। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।